बाहर का लगे भी हानि का नाम जैसे आग लग रही है फर्नीचर, हानि का नाम क्या है यहाँ पर? अग्निशान होगी, लॉस ऑफ फायर, तो लेकिन बाहर लॉस ऑफ फायर है। टू में किस में आग लगी, क्या हमारा नुकसान हुआ, क्या लॉस हो गया? फर्नीचर, बिल्कुल टू फर्नीचर, ठीक है। इस तरह से जिसमें आग लग जाए वो लिख दें, चोरी जो होगा वो अगर चोरी करेंगे तब क्या होगा, कोई चोर चोरी कर लेगा तो बाहर लॉस ऑफ फायर अकाउंट। चोर चोरी करे, रोग कड़िया कैसियर चोरी करे, या कोई और चोर चोरी, जो भी चोर चोरी करना है, रिश्तेदार चोर जो भी करे, तो बाहर में आएगा लॉस ऑफ फायर। ये मतलब नहीं है किसने चोरी की, चोरी तो होगी वो तो लॉस ऑफ फायर ठीक किया है, चोरी से हानि होगी क्या बोले वो नीचे नरेशन में अलग से हम बताएंगे, नरेशन की जगह दी रहती है, लिख दो नाम पता लग गया। अगर आपके पास कैमरे हैं तो उसमें देख लेंगे और नाम पता लग गया है, तो जो भी किसी ने भी चोरी की हो बाय में तो आप लिखेंगे लॉस बाय थी। टू में क्या लिखेंगे, चोरी में क्या चला गया है, कोई संपत्ति अगर चोरी हुई है तो टू में लिखेंगे उस संपत्ति का नाम, यदि माल हुआ है चोरी टू में लिखेंगे परचेज, ये कहेंगे कर लेंगे कुल मिलाकर। हाँ क्या हाँ दोनों में, जैसे माल चोरी हो गया, कैश चोरी हो गया, कुछ चोर आए तो ज्यादा मात्रा में थे, तो जितना कैश था वो भी ले गए, जितना भी माल रखा हुआ था बेचने के लिए आए वो सब भी ले गए, और जो संपत्तियां थी फर्नीचर मशीन थी कंप्यूटर लैपटॉप सब ले चले। अब वो बड़ा माल लेगा लेकर आप क्या होगा, अब आएगा बाय लॉस बाय जीप्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू लैपटॉप अकाउंट टू प्रोजेक्टर अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, जो जो ले गए सब आएगा टू में आता जाएगा, सारा का पूरा जोड़ लेना, जोड़ कर और ऊपर लिख देना बस बात जितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, जो जो ले गए सब लिखना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा सामान ले तो बड़ा सामान लेगा नहीं, तब तक नहीं, ज्यादातर जो कैश लग जाते कैश कम से कम बन जाता है क्या, गोल्ड, अब गोल्ड अगर वो गोल्ड की शॉप होगी नहीं सर घर में सिल्वर ले जाता है क्या, अरे एक मिनट रहे अपन तो फैक्ट्री कंपनी एजेंसी दुकान में गोल्ड कौन लगेगा, अपन तो वहां के एंट्री कर रहे हैं, अपन तो किसी एजेंसी मॉल फैक्ट्री कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहां पर एंट्री करना समझ रहे हैं, घर पर आप किसी के भी घर पर जाकर ये जॉब टेलीसीकर नहीं करेंगे, ये टेलीसीकर आप जॉब करेंगे किसी एजेंसी मॉल फैक्ट्री कंपनी, ये आप सोचते घर पर जॉब करेंगे तो घर कैसा हो गया, घर में कितना राशन का सामान आ गया, कितना खर्च कर दिया, आप चाहे तो कर सकते हैं पर आप वो सैलरी नहीं दे पाएंगे, आप एक दस हजार दे दें बीस हजार नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे किसी कंपनी में जॉब करेंगे, इसलिए आपको कंपनी के साथ सोचना है, तो वहां पर जो भी होगा जो भी ले जाएंगे सब तू में लिख देना, ठीक है, लग रहा है गोल्ड है तो लिख देना, ठीक है, आप कमाने जो जो मिलेगा सब ले जाएंगे, तो आगे समझे कुल मिलाकर सिंपल सी बात है, जितने भी खर्च आपके सामने आएंगे लॉस एक्सपेंसेस सबको कहां लिख दोगे आप, तुम्हें क्या कर दोगे वो खर्च में एक्सपेंसेस लॉस में क्या हमारे पास से चला गया, ठीक है, याद रहेगा, किसी को पूछना है इसमें नहीं पूछना बता देंगे सब, चलिए एक बार रिवाइज करना फिर हम आपसे कल पूछेंगे, देखते हैं कल कितने विद्यार्थी मेहनत से रिवाइज करके आए, कल पता लगेगा किसी ने प्रॉपर्टी ली है दे सकते हैं, अब यहाँ पर अपन ने लिखा है केस नीचे डोनेशन मान लेते हैं ना, क्या दिया है प्रॉपर्टी बिल्डिंग दी या प्लांट जो भी दिया है कोई संपत्ति दी उसका नाम कुछ भी लिख सकते, ठीक है बच्चों आप कल अच्छे से रिवाइज करके आना।